खट्टर सरकार पर हुड्डा का करारा प्रहार, लाठी गोली से नहीं दिल में जगह बनाने से चलती है सरकार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए 2023 के आखिरी दिन यमुनानगर में हुए गेस्ट टीचरों पर लाठी चार्ज को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी गोली और लाठी से सरकार चलाना चाहती है, सरकार लोगों के दिल में जगह बनाने से चलती है। वर्तमान सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में हरियाणा प्रदेश विकास में एक नंबर पर था, लेकिन आज बेरोजगारी, महंगाई, अपराध में नंबर एक बनकर रह गया है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर पिछले 115 दिनों से करनाल में धरने पर बैठे गेस्ट टीचर्स रविवार को यमुनानगर पहुंचे थे। गेस्ट टीचर्स जगाधरी की नई अनाज मंडी से शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर के आवास की तरफ मार्च कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी गेस्ट टीचरों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने शिक्षकों पर लाठी चार्ज कर दिया। इसमें 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गेस्ट टीचर्स घायल हुए हैं। घायलों में गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शास्त्री भी हैं। गेस्ट टीचरों पर लाठियों की बरसात ने सूबे में सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। विपक्षी पार्टियां इस मसले पर सरकार को लगातार घेरने में जुटी हैं। बता दें कि जहां पूरी दुनिया नए साल को धूमधाम से मनाने की तैयारियों में डूबी हुई थी, वहां हरियाणा सरकार गेस्ट टीचरों पर लाठियां बरसा रही थी, जिसमें कई टीचर्स को गहरी चोटें भी आई हैं। राजकीय अतिथि अध्यापक मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा शास्त्री के सिर में 8 टाके, दोनों हाथों और घुटने के पास चोट है और कमर पर लाठियां लगी है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने पुलिस द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों पर लाठियां बरसवाई थी। कांग्रेस पार्टी के साथ ही आम आदमी पार्टी भी शिक्षकों का समर्थन कर रही है और सरकार को तानाशाह बताया जा रहा है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।